हेलो स्टूडेंट्स, आज हम त्रिकोणीय अनुपात में पूरक कोणों के त्रिकोणीय मान क्या होते हैं वह हम देखेंगे। तो सभी छात्र देखें, हमने यहां पर एक समकोण त्रिभुज लिया है। इस समकोण को इसके हम नाम दे देते हैं ए बी सी। यदि हम यह मानते हैं कि यह कोण थीटा है तो यह कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और यह कितना है 90। क्लियर। तो हम यदि हम साइन थीटा कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो यहां हम यहां देखते हैं कि लंब क्या है, इस कोण के सामने की भुजा लंब है, तो यहां लंब कितना है ए बी, और कर्ण कितना है ए सी। अब हम कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो 90 माइनस थीटा एंगल कौन सा है, एंगल ए, तो उसके सम्मुख जो होगा बी सी, और आधार कौन सा होगा इस कोण के लिए ए बी, और कर्ण होगा ए सी। तो हम देखते हैं, स्पष्ट है कि साइन थीटा इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा। क्लियर। इसी प्रकार से सभी छह जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं उनके मान भी यहां लिखे हुए हैं, इनको सभी छात्र नोट कर लें। इसी पर आधारित हम क्वेश्चन देखेंगे। अब हमको यह क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम यह देखेंगे कि यहां पर टेन ए इक्वल कॉट बी, तो कॉट बी कितना हो जाएगा, टेन 90 माइनस बी। क्लियर। तो हम देखते हैं कि टेन ए इक्वल टेन 90 माइनस बी, तो कंपेयर करने पर क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू 90 माइनस बी, और बी का पक्षांतर करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल 90। क्लियर। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब हमको इसी प्रकार 6 क्वेश्चन देखेंगे कि हमको पता है कि त्रिभुज में कोण ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा 180 माइनस ए। अब हम देखते हैं साइन बी प्लस सी अपॉन 2, इसको लेके चलेंगे, तो यह हो जाएगा आपका साइन 180 माइनस ए अपॉन 2, तो इसका मान आ जाएगा साइन 90 माइनस ए अपॉन 2, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस ए अपॉन 2, और हमको यही शो करना है जी, आपका राइट हैंड साइड आ गया, तो हमारा ये प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, साइन 18 अपॉन कॉस 72। तो हम यहां देखते हैं साइन 18, तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस 72 अपॉन कॉस 72, और यह आपका साइन 90 माइनस सीटा कितना होता है, कॉस सीटा, तो इसका मान हो जाएगा कॉस 72 अपॉन कॉस 72, और यह मान हो जाएगा 1। तो यहाँ कारण लिख देंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, इसका हमने नियम का इसमें उपयोग किया। इसी प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, टेन 26 अपॉन कॉट 64, तो जो हो जाएगा आपका टेन 90 माइनस 64 अपॉन कॉट 64, तो इसका मान हो जाएगा कॉट 64 अपॉन कॉट 64 इक्वल 1। इसी प्रकार से सभी छात्र थर्ड और फोर्थ को भी करेंगे। अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सॉल्व करेंगे, तो 10 48 10 23 10 42 10 67, तो इसको आप सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा आपका 10 48 10 23 का मान होगा 90 माइनस 48, 90 माइनस 48 23 होगा, और 10 40। चलिए तो अब सभी बच्चे देखें कि 10 10 48 10 23 और 10 90 माइनस 48 कितना होता है 42, तो ये 10 42 की जगह रख दिया हमने 90 माइनस 48, और 10 90 माइनस 23 इक्वल टू 67। तो हम यहां देखते हैं कि आपका ये मान हो जाएगा 10 48 10 23 cot 48 cot 23। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 48 10 23 और cot का मान कितना होता है 1 upon 10, तो 1 upon 10 48 और 10 23 ये आपके कैंसिल हो गए इक्वल 1। इसी प्रकार से आप सभी छात्र सेकंड भी करेंगे। ओके थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर दिया हुआ है tan 2a इक्वल cot a माइनस 18, तो a का मान ज्ञात करना हमको, तो हम यहां देखते हैं कि आपका tan 2a इक्वल टू 10 90 माइनस a प्लस 18, क्लियर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे
तो ट्रू ए इक्वल 108 माइनस ए, तो ए को हम पक्षांतर करेंगे 3A इक्वल टू 108, तो A इक्वल टू 108 अपॉन 3, 36 डिग्री। तो यहां पर A का मान जो आपका आ जाएगा 36, क्लियर।